क्या ये परशुराम का दम्भ था कि वह श्रीराम को पहचान न सके? स्वयं विष्णु के अवतार को द्वंद युद्ध के लिए ललकारने का उन्हें क्या फल मिला? श्री वाल्मीकि निर्मित आशामण आदि काव्य के बालकांड में 76वां सर्ग। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। दशरथ नंदन, श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी उपर्युक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके बैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया था उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं क्योंकि वीर पुरुष बैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा, फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूजनीय हैं, तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला वह दिव्य वैष्णववान जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाता। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमलनयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कुकुत्सकुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोगों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें, अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया है इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप
मधुदैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कुकुत्स कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। जमदग्नि नंदन परशुराम के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने उस उत्तम बाण को छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाएं और उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार राम जी की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामायण आदिकाव्य के बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।